नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फोर मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं वो है वरिष्ठ पत्रकार प्रभा झा जी, जो कि वर्तमान में हिंदुस्तान की न्यूज़ वेबसाइट live hindustan.com के एडिटर हैं। प्रभा जी, स्वागत है। हाँ, शुक्रिया जी। प्रभा जी, अगर आपका देखा जाए तो लगभग दो दशक से भी अधिक आपको मीडिया में हो गया है। साल 2000 में आपने शुरुआत की थी, तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा कैसी हुई और पत्रकारिता के बारे में आपने जो है आने का कैसे सोचा? देखिए, जन्म तो मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक मधुबनी एक बहुत खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध जिला है और उसका अपना एक इतिहास भी है। तो मैं मधुबनी में पैदा हुआ। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा मधुबनी से ही, गांव के जो सरकारी स्कूल होते हैं वहीं से मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद पिताजी मेरे जमशेदपुर में टाटा स्टील सिटी प्रेस में कार्यरत थे। तो एक उम्र के बाद, मतलब पांचवी छठी, पहले ऐसा होता था कि ना एकदम परिवार, हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं ना उसमें परिवार ले जाने का कल्चर नहीं होता था। शहरों में लोग कमाते थे लेकिन परिवार गाँव में ही रहता था। अपने मतलब माँ पिताजी की सेवा के लिए लोग परिवार को छोड़ देते थे। लेकिन जब मैं पांचवी कक्षा में गया तो पिताजी को लगा कि थोड़ा पढ़ने में ठीक ही हूँ, तो जमशेदपुर आ गया। दसवीं तक की शिक्षा दीक्षा जमशेदपुर से हुई, जो अब झारखंड में है, कई लोग उसको टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। तो दसवीं तक की शिक्षा वहीं से हुई। फिर उसके बाद मैं इंदौर चला गया। 11वीं 12वीं की शिक्षा इंदौर से हुई। ग्रेजुएशन मैंने नागपुर से किया। पीजी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से किया। तो शिक्षा दीक्षा का मेरा ऐसा रहा कि मैं 4-5 स्टेटों में रह के मैंने शिक्षा दीक्षा हासिल की। ग्रेजुएशन में ही रहने के दौरान हुआ यूं कि एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का ना एक यूथ फेस्ट होता है, तो जिसमें मैं नागपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता था, मैं क्विज करता था। तो उस दौरान अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चों से ना आपको संपर्क करने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। तो उसी दौरान मैं मतलब कई सारी यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म के बच्चे आते थे, तो मतलब उस क्षेत्र की तरफ मेरा थोड़ा आकर्षण बना। और फिर 99 में ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब एक साल ये सोचने में चला गया कि क्या करूं, यूपीएससी करूं या किसी और सरकारी बैंकिंग की तैयारी करूं। इसी दौरान आईएमसी का फॉर्म निकला, भर दिया मैंने, हो गया। आईएमसी में हो गया, फिर 9 महीने का वहाँ कोर्स होता है पीजी डिप्लोमा का, वो करने के बाद फिर हम लोग अलग अलग, फिर उसके बाद से मतलब 2001 से लगातार मीडिया में कहीं ना कहीं कार्यरत। तो ये मेरी मतलब एकदम शिक्षा की शुरुआती यात्रा और कैसे जर्नलिज्म में आया, ये संक्षेप में है। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जैसा आपने बिहार का जिक्र किया, तो बिहार में तो एक तरीके से यूपीएससी में बच्चे कोशिश करते हैं आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, सरकारी अधिकारी बन जाएं। तो जब आपने निर्णय लिया कि भैया आप मीडिया में काम करेंगे, आप आईआईएमसी चले गए, तो घरवालों का, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? कोई प्रेशर आया कि भाई अरे भाई आईएएस आईपीएस बनो? नहीं नहीं देखिए, वो तो बिहार में बच्चों के ना जो करियर को लेकर सपनों का जो फेज होता है अलग अलग होता है। 9वीं 10वीं में जब बच्चा होता है तो वो आईआईटी के सपने देखता है, और उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन में होता है, चाहे आप बीटेक कर रहे हो चाहे ग्रेजुएशन एक मतलब साधारण ग्रेजुएशन कर रहे हो, उस दौरान आप मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी का सपना देखते हैं, ये तय है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक हकीकत का भी एक अपना महत्व है, यथार्थ का भी अपना महत्व है। और घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि मतलब मतलब मेरे भी मन में कहीं ना कहीं था यूपीएससी की तैयारी की जाए ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि मतलब तुरंत कुछ रोजगार परक करना पड़ेगा। बहुत दिन तक घर वाले पढ़ने पढ़ाने की स्थिति में थे नहीं, बहुत खर्चा उठाने की स्थिति में। तो उस लिहाज से एक जर्नलिज्म की तरफ, एक पढ़ने के तरफ रुझान था, तो उस लिहाज से जर्नलिज्म ही सबसे मुफीद लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। छोटा सा कोर्स भी है, उसके बाद शायद नौकरी मिल जाए तो कुछ घर में भी सहयोग कर पाऊंगा। तो ये इसलिए यूपीएससी और बीपीएससी का सपना कहीं पीछे छूट गया यथार्थ की दरार तक। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि पहली नौकरी की तलाश कितनी मुश्किल थी, पहली नौकरी कैसे मिली
पूर्व अनुभव कैसे रहा? देखिए जब 2000 में ही हम लोग जब IMC में आए तो पहले तो बहुत मतलब ये था कि IMC में हो गया, नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन जब होता क्या है कि आप नवंबर दिसंबर तक पहुंचते हैं तो पता चलने लगता है कि नौकरी इतनी आसान नहीं है। और 2000 ये आज से दो दशक पहले की बात है, इतने मीडिया संस्थान भी नहीं थे। न्यूज चैनल्स उस समय में दो ही न्यूज चैनल्स थे, जी न्यूज और एक आज तक, 2000 इलाहाबाद कुंभ में 2000 में आज तक शुरू हुआ था, तो न्यूज चैनल भी दो ही थे कुल मिला। और डिजिटल का इस तरह से मतलब उद्भव नहीं हुआ था। डिजिटल जहां था भी तो वहां ये था कि प्रिंट के लिए जो खबरें बनती है उसको डिजिटल में किसी तरह से कट पेस्ट कर दिया जाए, तो बहुत एवेन्यूज नहीं थे हम लोगों के पास। तो 2000 में अक्टूबर नवंबर में जब हम लोगों को लगा कि ये मतलब थोड़ा एक सपना टूटता है कि अभी बहुत एवेन्यूज नहीं है, तो खास करके जो लोग बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं या जो थोड़े कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वैसे हम सब बच्चे चिंतित होने लगे कि चलो एक साल तो घर वालों से समय मांगा है कि एक साल में नौकरी करने लगेंगे, लेकिन अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। तो उस फिर हम लोग अक्टूबर नवंबर मतलब जो दिवाली की छुट्टी के बाद आए तो हम लोग CV लेकर चैनलों में घूमना शुरू कर दिए, फिल्म सिटी में जाके CV दे रहे हैं, सब जगह CV देना हमने शुरू कर दिया कि अभी इंटर्न ही रख लो, 2-3 महीने जब तक कोर्स खत्म होगा इंटर्न के काम सीख लेंगे। तो इस दौरान हम लोग कई साथियों ने, कुछ साथियों ने जी न्यूज में, कुछ साथियों ने कुछ अखबारों में, उस समय में एक चैनल हुआ करता था जैन न्यूज, तो मैंने जैन न्यूज में शुरू की इंटर्नशिप। शुरू में मतलब जिसको कार सेवा कहते हैं, तो शुरू में 2-3 महीना वैसे ही चला, फिर वो कुछ पैसे देने लगे, लेकिन फिर 3-4 महीने बाद जैन टीवी की स्थिति खराब हो गई, कुछ उनके अपने उनकी अपनी समस्याएं थी, तो स्थिति खराब होने लगी, तो फिर वहां पे ना वो पैसे मिलने बंद हो गए, मतलब या तो बहुत लेट मिलने लगे या कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही सैलरी मिलती थी, जो लोग रेवेन्यू टाइप का चीज भी ले आते थे, हम लोग बहुत मतलब उस समय में स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ प्रोडक्शन हाउस के लिए कुछ कार्यक्रम बनाया उस दौरान मैंने, जब जैन टीवी में सैलरी मिलनी बंद हो गई थी, तो मतलब ये 7-8 महीने का संघर्ष चला। फिर मुझे लगा कि दिल्ली में कुछ बहुत अच्छा हो नहीं रहा है, तो बाहर एक दो अखबारों में नौकरी मिल रही थी, पर शुरू में जब बच्चे रहते हैं ना उनको लगता है दिल्ली में रहेंगे तभी बड़ा पत्रकार बन पाएंगे या तभी कुछ जीवन में हो पाएगा अच्छा, तो दिल्ली छोड़ना नहीं चाहता था। बाहर नौकरियां मिल रही थी अखबारों में, लेकिन जब 8-9 महीना की प्रतीक्षा के बाद भी कुछ मन माफिक दिल्ली में नहीं मिला, तो फिर मैंने भोपाल जाने का फैसला कर लिया। भोपाल में उस समय में भोपाल का बड़ा अखबार होता था नवभारत, ये नवभारत टाइम्स नहीं है, नवभारत है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से निकलता है, तो नवभारत ज्वाइन किया वहां, फिर वहां से मतलब एक तरह से व्यवस्थित रूप से करियर शुरू हुआ मेरा। उसके बाद फिर आप अपनी अगली यात्रा के बारे में बताइए, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कैसे आप भोपाल में 8-9 महीने नौकरी की, पर मन हमेशा दिल्ली की तरफ टंगा रहता था कि किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना है। तो मुझे याद है मेरे संपादक हुआ करते थे श्याम बेताल जी, तो 2-3 महीना मैंने काम कर लिया ना भारत में, लेकिन वीकली ऑफ मिला नहीं था। मैं तो श्याम बेताल जी के पास गया कि मैं 3 महीना हो गया काम करते हुए, वीकली ऑफ सर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जिस दिन तुमको वीकली ऑफ दूंगा तुम दिल्ली में नौकरी खो जाओगे, तो इसलिए मैं तुमको खोना नहीं चाहता हूँ। और वीकली ऑफ मतलब उन्होंने एक मजाकिया लहजे में कहा था, फिर कहा कि ठीक है मतलब एक फला दिन इस दिन तुम, क्योंकि अखबारों में आप लोगों को जो भी काम करते हैं उनको पता होता है कि सबको वीकली ऑफ एक दिन नहीं मिल सकता है, मतलब रोटेशन पे होता है, कुछ लोग सप्ताह में एक दिन, कुछ लोग सप्ताह में एक दिन, क्योंकि अखबार 7-7 दिन निकलना होता है। तो खैर वीकली ऑफ मिला, और मतलब बेताल जी की, श्याम बेताल जी की बात भी थोड़ी सच्ची थी, मैं लगातार दिल्ली में एवेन्यूज तलाश रहा था। लेकिन इसी दौरान मेरे कुछ साथी दैनिक जागरण मेरठ में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दैनिक जागरण मेरठ में एक वैकेंसी है, तो मैं 2 दिन की मतलब कुछ दिनों का वीकली ऑफ इकट्ठे 2-3 दिन का वीकली ऑफ लेके आया, मतलब कॉम्प ऑफ मिलाकर मेरठ में मैंने इंटरव्यू दिया दैनिक जागरण मेरठ में, उन लोगों को पसंद आया, तो फिर मैं वहाँ स्पोर्ट्स बीट का रिपोर्टर, मतलब छोटे सेंटरों पे क्या होता था ना अखबार में, स्पोर्ट्स बीट में वही रिपोर्ट भी करता था और वही पेज भी लगवाता था, तो मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे फिर दैनिक जागरण में काम शुरू किया। लेकिन फिर पता नहीं स्पोर्ट्स बीट में मैं काम कर रहा था, काम अच्छा भी कर रहा था और मुझे मेरे मन का भी काम था, लेकिन फिर जैसे अभी के दौर की तरह समाचार बोर्ड मीडिया या दूसरी मतलब इस तरह की साइट नहीं है जिसमें मीडिया की खबरें लगातार आती हों, लेकिन जिन संपादकों के भी संपर्क में आया उसमें कोई भी ना स्पोर्ट्स से संपादक बनते दिख नहीं रहे थे,
मतलब स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट संपादक बनते कम दिख रहे थे। तो कुछ सीनियर्स से बात हुई, कुछ संपादकों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुमको तो मतलब जनरल डेस्क देखना पड़ेगा, जिसको देश विदेश सारी चीजों की समझ हो वो संपादक बन पाता है। तो मैं जो दैनिक जागरण में उस समय में मतलब दैनिक जागरण में ऐसा था कि मालिकों मतलब मेरठ यूनिट में कम से कम मालिकों का भी संपादकीय में समान रूप से हस्तक्षेप रहता था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो जनरल डेस्क पे कर दीजिए, फ्रंट पेज देखना है मुझे, तो कर दिया उन्होंने। फिर लेकिन स्पोर्ट्स जिसको दिया वो स्पोर्ट्स कर नहीं पा रहा था, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम स्पोर्ट्स कर लो, नहीं हो पा रहा है स्पोर्ट्स उससे। तो फिर मैंने दैनिक जागरण छोड़ दिया कि नहीं मुझे जनरल डेस्क पे ही काम करना है। तो फिर उसी दौरान अमर उजाला में बात हो गई, फिर मैं अमर उजाला देहरादून चला गया। लेकिन इन सब यात्राओं के दौरान मन में ये लगा था कि दिल्ली वापस आना है, दिल्ली में भी नौकरी की तलाश लगातार चल रही थी। तो फिर दैनिक जागरण नोएडा में ही, देहरादून में करीब 8-9 महीना नौकरी करने के बाद दैनिक जागरण नोएडा में उस समय में संपादक हुआ करते थे राजीव सिंह, जो अभी अमर उजाला लखनऊ के संपादक है। तो राजीव जी से एक दो मुलाकात थी मेरी पहले की, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मतलब व्यक्ति चाहिए जो अंग्रेजी से, मतलब हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है कि ट्रांसलेशन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, और जनरल डेस्क पे ट्रांसलेशन का बहुत काम रहता था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लायक एक काम है, आओगे तो आओ। मैं गया, फिर मैंने 2004 में दैनिक जागरण ज्वाइन किया नोएडा पे, नोएडा में। फिर करीब 3 साल वहां रहा, और इसी दौरान बीबीसी में कैजुअल पे काम करने लगा। बीबीसी हिंदी सर्विस है, बीबीसी साइट के लिए मैं कैजुअल पे काम करने लगा। 1.5 साल करीब वहां बीबीसी हिंदी सर्विस में काम किया मैंने। फिर कहीं से पता चला कि नवभारत टाइम्स की जो वेबसाइट है, 2007 जून की बात है ये, तो नवभारत टाइम्स की जो वेबसाइट है वो मतलब एक्सपांसन होना है उसका, और उसके लिए आदमी मतलब ऐसे लोग ढूंढे जा रहे हैं जो रियल टाइम खबरें बना सके। उससे पहले नवभारत टाइम्स में ये हो रहा था कि मतलब जो ज्यादातर जगहों पे वही हो रहा था, जो प्रिंट का डेस्क जो खबर बनता था वही डिजिटल में लग जाती थी। लेकिन अब ये था कि 2007-08 के बाद ना कंपनियां इस दिशा में सोचने लगी थी कि रियल टाइम खबरें डिजिटल में भी होनी चाहिए और 24 घंटे डिजिटल अपडेट होना चाहिए। इस दिशा में काम शुरू होने लगा। मुझे लगा कि ये भविष्य का माध्यम है, बन सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा था कहीं ना कहीं प्रिंट और टीवी सबका कन्वर्जेंस है उसमें। मतलब आप उसमें दोनों तीनों तत्व देख सकते हैं, मतलब विजुअल स्टोरी भी देख सकते हैं, टेक्स्ट स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, और आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक उसमें जो बाध्यता नहीं है कि अखबार आपको लेके जाना पड़ेगा, टीवी आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा मैंने उस समय में सोचा 2007 में कि ये भविष्य का माध्यम बनेगा। तो फिर मैं डिजिटल में आ गया। उसके बाद से करीब 12 साल में नवभारत टाइम्स में रहा, वहाँ चीफ सब एडिटर से लेके संपादक तक की यात्रा की मैंने। और फिर 2019 में मैंने लास्ट दिसंबर में छोड़ा, 18 दिसंबर को नवभारत टाइम्स छोड़ा। उसके बाद से पिछले 1.5-2 साल से हिंदुस्तान के साथ हूँ। हिंदुस्तान जी, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब आप अपनी जर्नी बता रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि आपने प्रिंट में काम किया फिर आप डिजिटल में आ गए, तो टीवी से कहीं ऑफर नहीं आया, या आपने कभी सोचा कि चलो यार आज तक में एबीपी में, न्यूज 18 में कहीं ट्राई किया जाए? नहीं, टीवी मैंने शुरू में बताया ना आपको, 6-7 महीने 8 महीने मैंने किया था। हाँ। और कुछ प्रोडक्शन हाउस के लिए प्रोग्राम भी बनाए थे मैंने। लेकिन टीवी का ना मतलब अनुभव थोड़ा मेरा बहुत अच्छा नहीं था करियर का शुरू के फेज में, और कई बार मुझे लगा कि ये मेरे लिए मीडियम नहीं है। उसमें बहुत कम लिखना होता था, और मतलब उस तरह से चीजें थी जो कई बार आपको लगता है आप प्रयास, सिर्फ आदमी को नौकरी वो करनी चाहिए या वहां ढूंढनी चाहिए जहां आप भी कंपेटिबल हो। तो मुझे लगा टीवी में मैं बहुत अच्छा कर नहीं पाऊंगा, या हो सकता है शुरुआती अनुभव इतना खराब हो गया था कि फिर हिम्मत नहीं हुई। तो टीवी की तरफ मैंने कभी उस तरह से एक आध बार टीवी का अनुभव आया भी, जब मैं नवभारत टाइम ज्वाइन करने जा रहा था तो एक नया चैनल लॉन्च हो रहा था 24 घंटे का, तो वहां से मुझे फोन आया, क्योंकि वहां पे सब मेरे सीनियर लोग थे जो मेरा काम जानते थे, वो लोग निर्णायक स्थिति में थे, वहां सब ईपी या उस तरह के लोग थे, तो उन्होंने मेरा काम देखा था, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि स्पोर्ट्स टीम के लिए तुम आ जाओ। मैंने कहा नहीं, स्पोर्ट्स तो करना नहीं है, संपादक बनना है। तो
और करना, मतलब सब कुछ करना है, सिर्फ एक 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 बीट नहीं करनी है। तो नबार टाइम्स में ही मैं फिर रुक गया। तो ये टीवी को लेकर यही रहा कि टीवी को लेकर कोई खास ऐसी नहीं रही जैसे हम लोगों के पीढ़ी के बहुत सारे हमारे साथियों में था कि टीवी पे जाना है, स्क्रीन पर दिखना है। वो एक मतलब 2000 के दशक जो शुरुआती थे 4, 5, 6, 7, 8 तक, ये बहुत ललक था। और उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि टीवी पैसे अच्छे दे रहा था प्रिंट की तुलना में। जब टीवी आया था तो पैसे अच्छे मिल रहे थे, प्रिंट का सैलरी स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। लेकिन वही है, मेरे साथ इशू ये था कि मुझे मतलब टीवी बहुत आकर्षित नहीं कर पा रहा था। तो और वैसे भी सर देखा जाए तो टीवी के जो शुरुआती जो बड़े पत्रकार और संपादक रहे वो सारे तो प्रिंट से ही गए थे, बड़े बड़े। जी, ये उसी तरह का है कि जब टीवी आया था तो टीवी का अपना कैडर तो था नहीं, जैसे रॉ और आईबी में होता है। रॉ और आईबी की अपनी अपना कैडर है नहीं, तो सब आईपीएस प्रतिनियुक्ति पे ही वहां जाते हैं, डेपुटेशन पे ही जाते हैं। आप देखेंगे रॉ या आईबी के जितने भी मतलब हेड बनते हैं वो आईपीएस ही बनते हैं, क्योंकि उनका अपना ओरिजिनल कैडर उस तरह से है नहीं। तो टीवी के मामले में भी यही था, जब टीवी आया तो इस देश में या तो प्रिंट जर्नलिज्म था या रेडियो जर्नलिज्म था। तो वो लोग तो देखिए, पत्रकारिता की कोई भी विधा हो, मूल काम तो लिखना ही है। हर विधा की कुछ अपनी टेक्निकल डिमांड्स अलग अलग हैं, लेकिन मूल काम तो लिखना है। तो सब लोग गए तो उस तरह से प्रिंट से ही गए, क्योंकि लिखना उस समय में और कब किसको किस तरह से और कैसे लिखना है वो प्रिंट के लोगों को पता था। तो हाँ, उसके बाद सब न्यूज रूम में ट्रेनिंग हुई। कई ज्यादातर न्यूज रूम जो उस समय में भारत में स्थापित हो रहे थे, तो वो CNN और दूसरे जो विदेशी मीडिया के जो बड़े टीवी चैनल्स थे, वहां से बुला के लोगों को, प्रिंट के लोगों को ट्रेंड किया गया। 2-2 महीने, 3-3 महीने का वर्कशॉप किया गया ताकि उनको विजुअल मीडियम समझ में आए। सर वैसे बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि एक फेक इट इंडिया करके टाइम्स वालों का एक प्रोग्राम चलता है, और हम जैसे युवा उसको देख देख करके काफी, मैं तो पिछले 5-6 साल से उसको देख रहा हूँ, उसमें आप भी आते हैं। बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि तो उसकी रूपरेखा आप लोगों ने कैसे बनाई, और जो जेमी अल्टर साहब हैं, नीरज बदवार आप हैं, तो अभिनय में भी आप उतर गए, स्क्रिप्ट उसकी कौन करता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो तो हाँ, जब मैं नवभारत टाइम्स में आया तो नवार टाइम्स में तो मैं 12.5 साल से था। लास्ट के 2 साल में हमने एक हुआ क्या कि 2014-15 के बाद ना एक तरह का मतलब एक ये स्पेस मतलब क्या हुआ, जब वीडियो वायरल होने लगे, बहुत सारी चीजें इस तरह की वायरल होने लगी, और मुझे लगा, हम लोग लगातार कर रहे थे कि कुछ न्यूज से, जब हम लोग न्यूज लगातार कर रहे थे ना, तो ये हमको भी समझ में आ रहा था कि बहुत सरकारी तरह के न्यूज उबाऊ चीजों से लोग ऊब गए हैं, और लोग वैसी चीजें देखना चाहते हैं जिनसे मतलब जिसको डिजिटल सेगमेंट में यूटिलिटी न्यूज कहते हैं, कि आप इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सा परीक्षा के लिए क्या टिप्स है, जिसको यूटिलिटी सेक्शन कहते हैं। तो यूटिलिटी की चीजों को लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे थे, या फिर ह्यूमर को ज्यादा, ह्यूमर लोगों के जीवन में ऐसे ही इतना तनाव भर गया था कि ह्यूमर लोग पसंद कर रहे थे। और उसमें क्या होता है कि कंटेम्प्ररी ह्यूमर होता है कि अब अप्रेजल होना है, आपका अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ, उस पर ह्यूमर हो, दिवाली आ रही है, दिवाली में एक हम लोगों के यहाँ परंपरा है मिठाई देने की और गिफ्ट्स देने की, तो या फिर गिफ्ट्स देने की एक परंपरा है, तो कैसे एक घर से 50 घर में वही गिफ्ट रोटेट होते आया है। तो ये सब समाज में कहीं ना कहीं होता था और ये होता रहता है। तो हम लोगों ने मतलब उस पर सोचा, उसकी स्क्रिप्टिंग नीरज करते थे, नीरज बदवार मेरे सहयोगी थे नवारा टाइम्स में, उसकी स्क्रिप्टिंग नीरज करते थे, नीरज अभी भी वही है। तो हम लोगों ने राजेश कालरा एडिटर इन चीफ थे उस समय में, तो राजेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इसकी प्लानिंग की कि एक मतलब ऐसा जो ना जो कंटेम्प्ररी घट रहा है, मतलब आपके साथ आपके आंखों में रोज दिख रहा है, आपके सामने समाज में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग उसमें ह्यूमर डाल के कुछ अगर करें तो लोग उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने अप्रेजल के टाइम में किया कि एक आदमी का अप्रेजल हुआ तो वो बॉस के पास शिकायत करने किया कि जितना अप्रेजल आपने दिया उस समय में प्याज महंगा था, उतने में तो 2 किलो प्याज ही आ पाएगा। तो न्यूज को मतलब उस समय जो न्यूज घट रहा था उसको हमने
थोड़ा सा उसमें ह्यूमर डाल के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, और मुझे लगता है वो प्रोग्राम हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा चला। कैरेक्टराइजेशन टिंकू जिया, रिंकू जिया, भरवा बैंगन, जिस तरीके से आप उसके नाम देते थे, जिस तरीके से अलग अलग लोग आकर के अपनी अपनी पीड़ा बताते थे, तो वाकई में मैं उसमें अक्सर बॉस का रोल करता था, तो मेरा मतलब जो फेमस कैरेक्टर था पत्थर दिल बॉस टाइप का कैरेक्टर था, या टीआरपी पांडे, चूंकि मैं अब डिजिटल में है, हम लोग हमेशा ट्रैफिक और उसकी बात करते हैं, तो टीआरपी पांडे होता था मैं। आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग होता था कि अगर मैंने कर्मचारी का शोषण अगर अच्छे से किया होता तो इसके पास चाय की थड़ी पे जाके बात करने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग उसकी होती। हाँ, ये इसमें से ना कई बातें हम लोगों को ना फिल्म सिटी में चाय के दुकान पे ना लोगों की बातें सुनकर भी इसका आइडिया आता था, क्योंकि चाय की दुकान सब फिल्म सिटी में जितने भी न्यूज चैनल हैं सब लोग आते थे चाय की दुकान पे, वहां जमा होते थे, तो हम लोग उनसे बात करके भी कई बार समझते थे, तो उससे पर भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की। तो ये कहीं ना कहीं जो घट रहा था हम सबके इर्द गिर्द उसी का निचोड़ है। अगला सवाल मेरा डिजिटल पे था। डिजिटल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक तो ये होता है कि आपके एंकर ने न्यूज पढ़ी, वो PCR से आपके पास आई, आपने उसको कट किया, वो डिजिटल पे लगा दिया, एक तो वो डिजिटल है, या फिर एक डिजिटल के दर्शकों के लिए ही कंटेंट तैयार किया जाए कि आप सिर्फ स्पेसिफिक डिजिटल के लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो ये जो मिक्सअप हो रहा है वर्तमान में कि बुलेटिन भी जा रहा है, वीडियो भी जा रहा है, टेक्स्ट भी जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि डिजिटल के लिए एक सुव्यवस्थित नियमावली होनी चाहिए? देखिए इसका ये तो नियमावली तो से इसका कोई संबंध नहीं है। बेसिकली अगर आपके पास कंटेंट है, जो आप बात कर रहे हैं ना, पहले जो पहली परिस्थिति की बात की ना आपने, ये मूल रूप से टीवी चैनलों के साथ होता है कि, लेकिन अब ये देखिए कि डिजिटल के लिए जो टीवी चैनल आप की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल के लिए अनकट या एक्स्ट्रा नाम से प्रोग्राम बना रहे हैं, वो डिजिटल स्पेसिफिक भी प्रोग्राम बना रहे हैं। पर आपको देखिए, हर कोई भी मॉडल सस्टेन तभी कर सकता है जब वो आर्थिक रूप से सक्षम हो। अब चैनलों के पास अगर कोई फुटेज है या कोई उस तरह का कैप्सूल बना हुआ है तो वो उसका उपयोग डिजिटल पर करेंगी, क्योंकि देखिए एक तो होता है कि आपने चैनल पर दिखाकर एक श्रोता को एंगेज किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चैनल हर श्रोता उस समय टीवी देख रहा हो। अब हम सबको पता है कि हम सब सबसे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो समाचार को देखने के लिए, चाहे वीडियो देखने के लिए, हम सोफे पे बैठे रहते हैं या कहीं बिजी भी रहते हैं, मेट्रो में सफर कर रहे होते हैं, तो हमको लगता है सोशल मीडिया पे क्या देख लें या क्या कुछ काम का है। तो ये जो हम लोगों की जो उस भूख है ना, जो चीजों को देखने की, चीजों को समझने की, तो उसमें जो टीवी का कंटेंट है, वो कंटेंट तो मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि न्यूज के लिए आपको लिखना तो सब जगह एक ही चीज है, तो वैसे ही मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में वीडियो अगर छोटे छोटे 1 मिनट 1.5 मिनट के कैप्सूल होते हैं, तो वो आपको मतलब वो वीडियो आप अगर डिजिटल एक्सक्लूसिव भी किसी न्यूज का वीडियो बनाएंगे तो उसी तर्ज पे बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट आप ये दे सकते हैं कि मोबाइल उसका टीवी वाला लुक से अलग मोबाइल फ्रेंडली वीडियो का जो फॉर्मेट हो वो हो, तो उतना उसमें सब अमेंडमेंट करते हैं। इंस्टाग्राम पे डालना हो तो वर्टिकल उस तरह के वीडियो बनाते हैं, तो वो एक्चुअली में जो टेक्निकल प्रोसेस है वो होता है, लेकिन न्यूज तो हर जगह वही रहेगा। अभी यही बात फिर अखबारों के साथ भी लागू होती है, क्योंकि चलिए टेक्स्ट स्टोरी तो रियल टाइम हर जगह होने लगा है तो वो होता है, पर कई एक्सक्लूसिव खबरें जो अखबार की होती हैं वो उनकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी होती है वो उसी तरह हूबहू इस्तेमाल करती हैं। तो पाठक या दर्शक या जो ऑडियंस है वो तो सेम है ना, जो टीवी देखता है वही कभी ना कभी मोबाइल पे भी आपकी खबरें पढ़ता है, या जो अखबार देखता है वो भी कभी ना कभी साइट पे ही आपकी खबर पढ़ता है। तो खबर की जो संरचना है उसमें बहुत अंतर नहीं होता है, उसके परोसने के तरीके में अंतर होता है। खबर तो आप किसी भी माध्यम के लिए लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे। सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था कि पिछले कुछ साल में देखें तो डिजिटल का, चूंकि उसमें खर्चा उतना नहीं है तो कई अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है खोल करके बैठे हैं। अब जैसे हिंदुस्तान एक ब्रांड है, अमर उजाला एक ब्रांड है, जागरण तो एक ब्रांड है,
तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पेज व्यूज का बड़ा प्रेशर आने लगा है, और उस पेज व्यूज के प्रेशर के चलते कई फालतू की, फिजूल की, उल जुलूल खबरें भी जो है प्रकाशित होती हैं। तो वहाँ हिंदुस्तान का क्या स्टैंडर्ड, मतलब आपका क्या देखिए दो चीजें हैं इसमें कि डिजिटल माध्यम बहुत तेजी से फैला है, और खास करके पिछले 1.5 साल में जब से कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैला उसी तेजी से डिजिटल मीडियम भी फैला, और उसके पहले भी था। लेकिन आप जब आपने कहा कि कम खर्चे पे, देखिए अब है क्या कि आज हर आदमी जिसका फेसबुक पर अकाउंट है या ट्विटर पर अकाउंट है या इंस्टाग्राम पर, वो एक संभावित प्रकाशक है, वो एक प्रकाशक की भूमिका में है। तो और उस पर उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए फेसबुक पे भी कई लोग फेक न्यूज, फेक खबरें लगा देते हैं या ट्विटर पे फेक बातें लिख देते हैं। तो अब अगर इस दुनिया में 4 बिलियन लोगों तक, 4 बिलियन लोग मतलब सोशल मीडिया किसी ना किसी रूप में यूज कर रहे हैं, तो आप उसको किसी भी चीज से रेगुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए कोई नियामक नहीं बना सकते, क्योंकि नियामक ऑलरेडी है कि कोई अगर वैमनस्य से फैलाने वाली बात, दंगा फैलाने वाली बात या किसी की मान हानि करने लायक बात कहीं भी लिखता पड़ता है, तो उसके लिए मतलब उसके लिए धाराएं हैं आपके आईपीसी में, उसकी सब सबकी व्यवस्था है। तो उसको आप मतलब बेसिकली जब ये सब चीजें अभी क्या है कि इवॉल्व होने के फेज में है। जैसे आप देखेंगे कि आज से पहले जो 3-4 साल पहले जितना फेक न्यूज का प्रसार था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि एक रीडर भी स्मार्ट होता जा रहा है, उसको समझ में आने लगा है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये है तो मैं चेक कर लेता हूँ। कई फेक न्यूज के टूल्स आ गए हैं जो जिनका जो यही करते ही हैं कि मतलब ये अनवेरीफाइड क्लेम है तो इसको वो चेक करते हैं। तो वो सारी चीजें मतलब चल रही है, ये एक संक्रमण काल है, और कोई भी चीज को इवॉल्व होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इवॉल्व होके स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में कम से कम जो स्थापित मीडिया घराने हैं वो इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाकी है क्या कि आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर किसी को रोक सकते नहीं, तो उसी तरह छोटी छोटी साइट भी बहुत सारे लोगों ने बनाया, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा भी काम किया। देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी चीज का ना जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है। तो कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम होने की वजह से उतना ढांचागत सुविधाएं नहीं चाहिए इसके लिए, तो कई लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। कई जगह जैसे मान लीजिए कम्युनिटी साइट चल रही है और खेती किसानी की बातें लोग आपसी अनुभव के आधार पर साइटों पर छाप रहे हैं, जिससे दूसरे लोग फायदा ले रहे हैं। तो एक उसका चेहरा ये भी है, और एक दूसरा चेहरा वो भी है कि लोग दूसरों के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। तो उस तकनीक का दोनों चेहरा है। अब ये ऑडियंस को डिसाइड करना है कि किसको हतोत्साहित करना है और किसको प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है चीजें बेहतर होंगी, और डिजिटल जो है लोगों के जीवन को सुखद और सरल बनाने वाला एक माध्यम साबित हो। सर, आपने हमसे बात की, हमें समय दिया, अपनी जीवन यात्रा पे बात की। हालांकि आधा घंटा बहुत कम होता है किसी की जीवन यात्रा पे बात करने का, लेकिन हमने कोशिश की। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।